नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीबीए में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मेले। चूंकि ये एमपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, तो ये हम कवर करेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि हम कैसे इन मेलों को याद रख सकते हैं। जैसे कोई एक मेला आया, उसके बाद आपको चार ऑप्शन उसमें दिए रहेंगे, तो उन चार ऑप्शन को देख कर ही आपको एक टिक लगाना है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, ये डिस्क्लेमर है, ठीक है, कि अगर किसी के पर्सनल भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस वीडियो का औचित्य किसी भी धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ओके। तो जो हम ट्रिक यूज़ करेंगे वो थोड़ा फनी सी होंगी, तो हो सकता है थोड़ा सा मजाकिया हो, चूँकि मेले जो हैं वो धर्म से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, ओके। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। मेलों में भारतीय संस्कृति की झलक पाई जाती है। इन मेलों में सामाजिकता, संस्कृति आदि का अद्वितीय सम्मेलन है। मध्य प्रदेश में 1400 स्थानों पर मेले लगते हैं। उज्जैन जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं और होशंगाबाद जिले में न्यूनतम मेले लगते हैं, 13 मेले। उज्जैन अकेले में 200 से अधिक मेले लगते हैं। मार्च, अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि इस समय किसानों के पास कम काम होता है, ओके। तो मार्च, अप्रैल और मई में, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में नहीं के बराबर मेले लगते हैं। इस वजह से, क्योंकि किसान इस समय बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा व्यस्त होते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक मेला। सबसे पहले बलदाऊ का मेला पन्ना में लगता है। इसे याद कैसे रखोगे, बलदाऊ है ना, कुछ दादा टाइप के लोग होते हैं, वो हमेशा क्या खाए रहते हैं, पान। तो बलदाऊ का मेला पन्ना में लगता है। नवग्रह का मेला, अगर किसी के ग्रह खरे नहीं हैं, कहते हैं ना यार बहुत खरा व्यक्ति है वो, मतलब बहुत सही व्यक्ति है, अगर किसी के नवग्रह खरे नहीं हैं तो दिक्कत में है। तो नवग्रह का मेला कहाँ लगेगा, खरगोन। बाणगंगा या बेनगंगा का मेला शिवपुरी, तो गंगा जी को किसने बांध कर रखा है, शिव जी ने, तो बेनगंगा का मेला शिवपुरी। शहीद का मेला, पता है शहीद, शहीद आज़म भगत सिंह, तो वो बड़े खरे व्यक्ति थे, साफ साफ कह देते थे, उनका बम फोड़ने का मन था, जाकर बम फोड़ दिए, और ये भी कह दिए कि देखो हमने किसी को हताहत करने के लिए बम नहीं फोड़ा है, हम तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी मांगे क्या हैं। तो शहीद का मेला, शहीद खरगोन, खरे व्यक्ति हैं। भैरवनाथ, भैरव बाबा, शिवनी, ओके। तो भैरव बाबा किसे कहते हैं, भोलेनाथ को, शिव जी को, तो शिवनी। तो अगर शिवपुरी आ जाए और शिवनी आ जाए तो भैरवनाथ, नाथ में एन आ रहा है और शिवनी में एन आ रहा है, ठीक है, तो भैरवनाथ, शिवनी। फिर सिद्धेश्वर, ईश्वरों में सबसे सिद्ध कौन है, शिव जी, तो शिवपुरी। देन सिंगा जी, अब देखो सिंगा जी, इसे हमारे एक सर थे वो ऐसे याद कराते थे कि जो खरगोश होता है उसकी सींग नहीं होती, ठीक है, तो सिंगा जी का मेला खरगोन में लगेगा। और सिंगा जी, सिंगा जी मतलब सिंह, सिंह किसका सरनेम होता है, ठाकुरों का, तो वो लोग भी कैसे होते हैं, बिल्कुल खरे, एकदम अक्खर टाइप के होते हैं, तो सिंगा जी का मेला खरगोन, पिपलिया खुर्द में। चेथी, आपको पता है छोटे में ना चेथी खेलते थे हम लोग, ऐसे ये सर होता है, सर के नीचे ऐसे चेथी होती है, तो वहाँ पर मार दो। और आपने एक क्रांतिवीर करके एक मूवी है जिसमें नाना पाटेकर बोलते हैं कि ये यहाँ पर ना छोटा दिमाग होता है, तो यहाँ नहीं मारना चाहिए, नहीं तो इंसान पागल हो जाता है। तो चेती, चेती ब्यावरा, तो चेती का मेला बावरा से याद रखना, अगर चेती में किसी को तेज से मार दो तो छोटा दिमाग होता है और वो बावरा हो जाता है, तो चेती का मेला ब्यावरा में लगता है। बादकपुर, तमो, बादकपुर को बंदूक से याद रखो, ठीक है, बादकपुर, तो बादकपुर बंदूक से याद रखो, बंदूक वही लेकर जा सकता है मेले में जिसके अंदर दम हो, तो बादकपुर का मेला दमोह में। सनकुआ, दतिया, जो सनकी लोग होते हैं ना उनको कुछ नहीं मिलता तो वो दांत से काट ही देते हैं, तो सनकुआ का मेला दतिया में। सनकी और दांत से याद रखना, दांत से काट देते हैं, तो सनकुआ का मेला दतिया। उमरेठ का मेघनाथ का मेला, उमरेठ में मेघनाथ का मेला जो लगता है वो छिंदवाड़ा में लगता है। तो याद है आपको मेघनाथ कौन था, तो मेघनाथ रावण का बेटा था जिसने हनुमान जी को बांध लिया था, ओके।
तो मेघनाथ, मेघनाथ उमरेठ के मेघनाथ का मेला छिंदवाड़ा में लगता है। तो मेघनाथ ने क्या किया था कि जो शक्तियां थी हनुमान जी की उसे छेद डाला था, ठीक है, और धराशायी कर कर हनुमान जी को बांध लिया था। तो मेघनाथ का मेला छिंदवाड़ा, राम जी बाबा का मेला, राम जी सारे भाइयों में राम जी सबसे ज़्यादा होशियार थे, तो राम जी बाबा का मेला होशंगाबाद, राम जी होशंगाबाद। धर्म राजेश्वरा का मेला, तो देखो धर्म राजेश्वर जितने लोग भी आजकल धर्म के ईश्वर बने हुए हैं, देखते हो कई सारे बाबा लोग ऐसे आ जाते हैं। एक मतलब देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि पर्सनल मत लेना, ठीक है, मज़े से याद करते चलो। कई सारे बाबा लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि धर्म के बिल्कुल मठाधीश बने घूमते हैं, ठेकेदार बने घूमते हैं, लेकिन वो बुद्धि से मंद होते हैं। तो धर्म का ईश्वर बनने की जो भी कोशिश करता है, धर्म राजेश्वर, धर्म का राजा या ईश्वर बनने की जो कोशिश करता है, इसका मतलब वो दिमाग से मंद है। तो धर्म राजेश्वर का मेला मंदसौर में लगता है। बाना जी बुरहानपुर, किसी बन्नी से पूछो कि क्यों तुम्हारे बन्ना जी कैसे हैं, तो शुरू में तो ठीक हैं और हो जाए 2-4 साल शादी के फिर कैसे हैं यार, बहुत बुरे हैं यार। तो बन्ना जी कैसे हैं, बहुत बुरे हैं। तो बाना जी बुरहानपुर। शिवरात्रि, शिवरात्रि का मेला अमरकंटक, शिव जी अमर हैं। याद है कि आपने मूवी किसी नाटक में ऐसा देखा होगा कि शिव जी ने ही रचना की थी, फिर इस तरीके से विष्णु जी ऊपर गए थे, ब्रह्मा जी नीचे, तो कोई छोर ही नहीं मिल रहा था। तो शिव जी जो हैं वो ब्रह्मा और विष्णु से भी पहले थे। तो शिवरात्रि, शिव जी अमर हैं। तो अमरकंटक में नागा जी का मेला। अब देखो नाग, नाग पता है अजगर को देखा है, वो क्या करता है मेढक को निगल लेता है, ठीक है। तो नागों की हरकत क्या होती है कि उनसे ना कोई चीज़ मुड़ती नहीं है। मुड़ती मतलब अपने यहाँ क्या बोलते हैं, मतलब मुराना मतलब चबाना। तो नाग लोग क्या करते हैं, चबा नहीं पाते, उनके दांत नहीं होते। तो जो दो दांत होते हैं वो सिर्फ जहर डालने के लिए होते हैं। तो नागा जी का मेला मुरैना, ठीक है, नागों से चीज़ें मुड़ती नहीं है। महामृत्युंजय का मेला रीवा, ठीक है, रीवा, आप रीवा से याद रखना, रीवा नदी और किसे बोलते हैं, नर्मदा को, और ये नदी कभी भी मरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि सभी लोग पाप धोने गंगा में जाते हैं और गंगा जी अपने पाप धोने नर्मदा में आती हैं। मतलब आप 100 बार गंगा जी में जाकर नहा लो या 1 बार नर्मदा जी में नहा लो, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो जो महामृत्युंजय का मेला है वो रीवा, तो रीवा, रीवा नर्मदा नदी से याद रखना। तो महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। फिर उसके बाद जोगेश्वरी देवी। अच्छा, इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि देखो पूरे मध्य प्रदेश में ना रीवा के लोग फैले हुए हैं, आप कहीं भी जाओ रीवा के एक आध लोग मिल ही जाएंगे। तो हर जगह फैले हुए हैं, मतलब वो बिल्कुल अमृत्य हैं, आमृत्य हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो रीवा में फिर जोगेश्वरी देवी का मेला। चंदेरी अशोकनगर, चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए, ठीक है, और अशोकनगर राजा अशोक थे। तो जोगेश्वरी देवी जो राजा की, जो अशोक की वाइफ थी, ठीक है, वो पूरे जग की देवी थी, पूरा जग उन्हें देवी की तरह पूजता था, क्योंकि अशोक को वो भगवान की तरह पूजने लगे थे। अशोक खुद को क्या बोलता था कि मैं देवनाम प्रिय हूँ, ठीक है। तो देवी, तो जोगेश्वरी देवी पूरे जग की जो देवी है उसका मेला कहाँ लगेगा, अशोकनगर में। और चंदेरी को कैसे याद रखोगे, देवियों की आदत क्या होती है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनने की। तो जोगेश्वरी देवी चंदेरी। शिव, शिव का मेला भोजपुर में लगता है, रायसेन में। तो ये बताओ मध्य प्रदेश में अमर कौन है, राजा भोज, सुना है ना, राजा भोज की नगरी भोपाल। भोपाल का जो नाम है एक्चुअल, वो पूरा भोपाल एक तालाब में बसा हुआ था। तो एक मुसलमान राजा था जिसने, राजा भोज ने वहाँ पर उतना बड़ा तालाब बनवाया था, और उस मुसलमान राजा ने उस पूरे तालाब को ख़त्म करवा दिया था मिट्टी डलवा के। तो वहाँ पर वो पहले भोज ताल हुआ करता था, अब उसे भोपाल कहा जाने लगा है। तो अमर कौन है, राजा भोज, और फिर शिव जी अमर हैं भगवानों में। तो शिव का मेला कहाँ लगेगा, भोजपुर में, रायसेन, ठीक है, रायसेन। कान्हा बाबा का मेला। अब देखो कान्हा बाबा या कान्हा बाबा, तो देखो ये एक ऐसा बाबा है जो कि है तो काना, काना मतलब जिसकी एक आंख नहीं है, लेकिन वो दिल का बड़ा अच्छा है, मतलब हृदय का बड़ा अच्छा है, और
वो शुडौल है, मतलब उसके डोले शोले बड़े अच्छे हैं। आपको पता है जैसे कई जगह, जैसे जबलपुर में आम भाषा में लड़के आपस में ऐसे बोलते हैं, और बाबा, तो बाबा का मतलब क्या होता है, मतलब फ्री की बाबागिरी जो लोग दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कान्हा बाबा का मेला शोडलपुर हरदा, ऐसे याद रखोगे, कान्हा बाबा। कान्हा बाबा ऐसे बाबा हैं जिनकी एक आँख नहीं है लेकिन उनके डोले शोले बड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो वो आँख से मार खा जाते हैं, नहीं तो वो डोले शोले भी बड़े अच्छे हैं और उनका हृदय भी बड़ा अच्छा है। तो कान्हा बाबा का मेला शोडलपुर हरदा। फिर है तेजा जी का मेला गुना। अगर हम गाड़ी की रफ्तार तेज कर दें, ठीक है, तो कहते हैं ना कि रफ्तार कई गुना बढ़ गई। तो अगर किसी गाड़ी को हम तेज कर दें, मतलब हमने क्या किया, उसकी रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। तो तेजा जी का मेला गुना, रामलीला का मेला ग्वालियर और दतिया। रामलीला हुआ क्या था कि ग्वालियर को कैसे याद रखोगे, ग्वालियर में सिंधिया राजघराने का वर्चस्व रहा है। तो रामलीला, जो भी रामलीला हुई है वो कहाँ पर हुई है, अगर हम देखें मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पर राजा थे, और राजा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ के थे, ग्वालियर के। तो रामलीला का मेला ग्वालियर में भी लगता है और दतिया में भी। दतिया को कैसे याद रखोगे कि राम भगवान क्या है, सिर्फ दांत निकालते रह गए, ठीक है, इस तरीके से। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल, प्लीज़ यार, ठीक है। तो राम भगवान क्या किए थे, दांत निकालते रह गए थे, रावण उनकी वाइफ को उड़ाकर ले गया था। तो रामलीला का मेला ग्वालियर और दतिया। फिर सलकानपुर, सलकानपुर होशंगाबाद। सलकानपुर को शकल से याद रखना, ठीक है। जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती है वो लोग होशियार होते हैं, जिनकी शक्ल अच्छी होती है वो लोग फैशन में ही मर जाते हैं, ठीक है। तो सलकानपुर होशंगाबाद। हीरा भूमिया का मेला, अगर किसी भूमि में हीरा निकल जाए तो वहाँ का रेट कई गुना बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो पैसे वाले लोग थे, जिनके पास ज़मीन थी, वो ग्वालियर में थे। क्यों, वहाँ पर राजा थे, वो पूरी ज़मीन उन्हीं की थी। तो हीरा भूमिया का मेला गुना और ग्वालियर, याद रहेगा, हीरा भूमिया का मेला, अगर किसी भूमि में हीरा निकल जाए तो उसका रेट कई गुना बढ़ जाता है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी। तो आप शिव जी को देखे हो, वो एकदम पीर की तरह यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। आप विष्णु जी को देख लो, वो बाकायदा सजे धजे। ब्रह्मा जी को देख लो, वो भी बाकायदा सजे सजे धजे। शिव जी को देखो, वो ऐसे घूमते रहते हैं जैसे एकदम पीर बाबा लोग नहीं घूमते रहते हैं कि ऐसे यहाँ से वहाँ बिना किसी उसके, बिना किसी अच्छे कपड़ों के और मुकुट के। तो पीर बुधान का मेला शिवपुरी। धमोनी हुर्ष, धमोनी, हम धमा चौकड़ी कब मचाते हैं, जब हम सागर घूमने जाते हैं, समुद्र के किनारे देखते हो, सब लोग धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, जाकर खूब उछलते कूदते हैं। तो धमोनी हुर्ष सागर में, धमोनी हुर्ष का मेला सागर। मंधाता का मेला, मंधाता का मेला, ओके, ये है खंडवा। खंडवा को खंड से याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से, ओके। तो मंधाता का मेला, हमारे मन मन को अगर, एक मिनट, हमारे मन को अगर कोई चीज़ ना मिले तो वो खंड खंड हो जाता है। तो मन से याद रखना मंधाता, ठीक है। मंधाता का मेला खंडवा में लगता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर में, जो कि बहुत अच्छे मान सम्मान वाले लोग हैं, ऐसे नर सिंह के समान हैं, ठीक है। जो नर सिंह के समान हैं उनका मान सम्मान होगा, और एक बार नहीं होगा, बार बार होगा। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर गाडरवारा, ओके। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर। शंकर जी छोरागढ़, शंकर जी छोरागढ़ पचमढ़ी। फिर यहाँ पर शिव जी की बात आ गई। तो हर जगह तो हमने शिव जी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर शंकर पढ़ा है। शंकर कार से याद रखना, और कार लेकर हम कहाँ जाते हैं, पचमढ़ी। तो शिव जी शंकर, शंकर कब, जब कई सारे लोग कार लेकर घूमने जाते हैं हिल स्टेशन। मध्य प्रदेश में कौन सा हिल स्टेशन है, पचमढ़ी, ओके। और जाते कौन लोग हैं, छोरे लोग। तो शंकर जी का मेला, शंकार जी का मेला छोरागढ़ पचमढ़ी। कमलेश्वर का मेला, आपको पता है कमलेश, कमलेश शिव जी को भी कहते हैं। तो कमलेश्वर का मेला शिवपुरी में। और अगर शिव जी को ऐसे नहीं याद रख सकते हो तो ऐसे याद रखो कि सबसे कोमल हृदय के ईश्वरों में कौन है, कमलेश, ठीक है। तो ऐसा ईश्वर जो कि कोमल हृदय का हो, सबसे कोमल हृदय का, तो वो शिव जी हैं, कि किसी को भी जाकर वरदान दे देते थे। तो कमलेश्वर का मेला शिवपुरी।
जल विहार, जब हम जल विहार करने जाते हैं तो देखते हो छतर छतर करते रहते हैं, पानी में से छप छप करके खेलते रहते हैं, तो जल विहार करने जाते हैं तो छतर छतर पूरा छितरा देते हैं पानी को, तो जल विहार का मेला छतरपुर। फिर चंडी देवी, अब देखो दो देवियाँ, एक तो हैं चंडी देवी और एक हैं चामुंडा देवी, तो चामुंडा बोलने में बड़ा घुमा फिरा कर बोलना पड़ रहा है, चंडी देवी एकदम सीधी सीधी हैं, ठीक है, तो चंडी देवी एकदम सीधी हैं। देखा वो जीभ निकाल कर इस तरीके से वो सबको मारते जा रही थी और शिव जी के ऊपर पाँव रख दिया था चंडी देवी ने, तो फिर उस वजह से उनकी जीभ निकल आई थी। तो बहुत ही सीधी सादी हैं, उनको ये सब मतलब नहीं है कि इन्हें मारना है इन्हें नहीं मारना है, ये जेठ है तो इनके ऊपर पाँव रखना है। वो तो जब पाँव रख दिया तब उन्हें किसी ने बताया कि भैया ये जेठ हैं आपके, तो उन्होंने जीभ निकाल ली, लेकिन फिर भी पाँव रखे रहीं वो। तो चंडी देवी, चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है। सिंहस्थ, सिंहस्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चामुंडी देवी, अब देखो ये तो थी चंडी, लेकिन ये चामुंडी देवी, चामुंडी मतलब ये ऐसी देवी हैं जो जिनकी मुंडी घूमती रहती है, तो देवास। तो जब देवियों की मुंडी घूमती है ना तो लड़के देवदास हो जाते हैं, ओके। तो जब देवियों की मुंडी घूमती है तो लड़के देवदास हो जाते हैं, तो चामुंडी देवी का मेला देवास। गोटमार, गोटमार मारने से पता चल रहा है, तो किसी को अगर पत्थर उठाकर मारो, मेला लगा हुआ है, यहाँ पर तंबू तना हुआ है, आप पत्थर मारोगे छेद हो जाएगा तंबुओं में, तो गोट मार, ठीक है, अगर गोटी मारोगे तो छेद हो जाएगा, तो छिंदवाड़ा। माँ शारदा का मेला सतना मैहर। अच्छा हाँ, ये बताना तो नहीं है ना माँ शारदा का मेला, ये तो याद होगा मैहर वाली माता है और मैहर सतना में आता है, सतना जिले में। फिर मदाई, मदाई का मेला डिंडोरी, तो मदाई को मदारी से याद रखना, ठीक है, मदारी के पास हमेशा डंडा होता है, तो मदाई, मदाई का मेला डिंडोरी में लगता है, डंडे से याद रखोगे इसे। इस्तमा का मेला, देखो इस्तमा ना एक मुसलमान टाइप का शब्द है, और भोपाल अकेला एक ऐसा ऐसी रियासत थी जहाँ बेगमों का शासन था, ठीक है, वहाँ पर बेगम लोगों ने शासन किया है, तो इस्तमा, इस्तमा का मेला भोपाल। माँ रतनगढ़ माता का मेला, तो देखो जो रतन है वो दांतों में हम लोग लगवाते हैं, रतन जैसे सोना, तो कई लोग सोना चढ़वाते हैं दांतों में, कई लोग सोने के दांत लगाते हैं, और जिनके दांत बहुत अच्छे होते हैं हम क्या बोलते हैं कि वाह यार तुम्हारे दांत तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं, मतलब रतन, ठीक है, तो रतन से याद रखना। माँ रतनगढ़ का मेला दतिया। कुंडलेश्वर, टीकमगढ़, अब कैसे, कोई लड़का है वो कुंडल पहनकर आ गया, तो उसको बोले कि भैया कुंडल तो पहन ही लिया है, अब एक काम कर तू टीका और लगा ले, इसकी कमी है, तो कुंडल तो पहन ही लिया है। या फिर कोई लड़की है, एग्ज़ाम चल रहा था वाइवा में, वो बकायदा कुंडल उंडल पहन कर आ गई गई हैं, तो उन्हें बोले भैया तिलक और लगा लेती यार, तो कुंडलेश्वर का मेला टीकमगढ़, ठीक है, कुंडलेश्वर टीकमगढ़। गधों का मेला चित्रकूट, चित्रकूट में क्या भगवानों का वास है, तो हमारे मम्मी पापा जाते हैं हम सब गधों को लेकर कि ये गधा थोड़ा सा समझदार हो जाए, तो गधों का मेला कहाँ लग जाता है, सभी गधे वहाँ मिल जाते हैं, तो चित्रकूट में। उन्नाव का मेला, उन्नाव, ठीक है, तो उन 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 कहते हैं ना, उन उन मतलब जब कोई चिढ़ जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा ऐसा कहते हैं ना, क्या मुंह बना रहा है, क्या नाक सिकुड़ता रहता है हमेशा, तो उन्नाव का मेला। उन्नाव से नाक से प्रोनंसिएशन आ रहा है, तो नाक से याद रखना कि जब कोई नाक सिकोड़ता है तो करता क्या है, वो अपने दांत मीचता है, ठीक है, ऐसे करता है ना इस तरीके से, तो उन्नाव का मेला दतिया। गरीबनाथ, अब गरीबों को देखो, जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें सजने संवरने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अमीर अमीर तो हमेशा साफ सुथरे रहते हैं, तो गरीबनाथ का मेला अगर लगेगा तो उसमें सज संवर कर जाएंगे सभी लोग, गरीबों का मेला है, तो साजापुर, गरीबनाथ का मेला साजापुर। बरौनी, बरौनी का मेला दतिया, तो बरौनी एक्चुअल कहते हैं जो घर में काम करने वाली आती हैं, ठीक है, तो बरौनी, बरौनी का मेला, बरौनी की भी आदत क्या होती है, वो हर उसको कोई भी काम बोलो वो दांत सिकोड़ने लगती है, ठीक है, उसको बोलो पोछा अच्छे से लगाओ दांत सिकोड़ लेती है, तो बरौनी का मेला दतिया। फिर सोनागढ़ी, सोना कहाँ गढ़ा जाता है, दांतों में, दतिया। शहाबुद्दीन औलिया उर्श, शहाबुद्दीन जो साहब लोग बहुत दिनों तक जीते हैं उसका राज है कि वो नीम खाते हैं, ठीक है, तो शहाबुद्दीन ऐसे साहब लोग जो बहुत दिनों तक जी रहे हैं उसका राज ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, उसका राज ये है कि वो नीम खाते हैं, ठीक है, नीम अच्छी होती है, तो शहाबुद्दीन औलिया उर्स नीमच। फिर रहास,
रहस्य, ये गर्धाकोटा सागर, तो जितने भी रहस्य हैं वो आज भी कहाँ छुपे हैं, सागर में। तो रहस्य का मेला सागर में लगता है। कालू जी महाराज, अब देखो एक महाराज हैं, वो पता है दिन भर क्या करते हैं, वो दिन भर पिए घूमते रहते हैं धूप में यहाँ से वहाँ, तो वो हो गए हैं काले। तो कालू जी महाराज काले क्यों हो गए, क्योंकि वो दिन भर पीकर यहाँ वहाँ खुरकुंदी करते रहते हैं। तो कालू जी महाराज पिपलिया खुर्द और महेश्वर, अब चूंकि वो हैं महाराज, ठीक है, तो हैं बहुत महान आदमी, लेकिन वही है कि दारू पीकर यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं और काले हो गए धूप में घूम घूम के। तो कालू जी महाराज का मेला महेश्वर, ओके, ऐसे याद रहेगा ना ये, अगर नहीं याद रहता और आपके दिमाग में कुछ अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। फिर मठ घोघरा शिवनी, ठीक है, फिर शिव जी की बात आ गई। तो मठ घोघरा मठाधीश, मठ में कौन रहते थे, मठ मतलब एक जगह जहाँ पर सब रह रहे हों, तो मठ में कौन रहते थे, शिव जी। देखो एक ही कैलाश पर्वत था, वहीं पार्वती भी, वहीं नंदी भी, वहीं उनके सब भूत भाई लोग रहते थे, तो मठ घोघरा, तो मठ से याद रखना शिव जी। सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है, ये एक मिसलिनियस फैक्ट है, इसके लिए मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी क्या होने लगा, अभी इंदौर में भी ना कई सारे मीट शुरू हो गए, लेकिन अगर कभी आता है कि सबसे बड़ा व्यापारिक मेला तो आप ग्वालियर लगा कर आना। मकर संक्रांति पता है, संक्रांति अभी की नहीं है, संक्रांति हमेशा से मनाया जाने वाला त्यौहार है, ऐसा नहीं है कि अभी मनाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि संक्रांति किसे कहते हैं, संक्रांति, ये देखो ये ऐसी मकर रेखा होती है और कर्क रेखा, तो जब मकर रेखा से, ठीक है, जब मकर रेखा से सूर्य उत्तरायण कर रहा होता है तब मकर संक्रांति होती है, तो ये तो भाई धरती के रोटेशन पर डिपेंड त्यौहार है, तो ये तो हमेशा अमर रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि जैसे दिवाली है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि भगवान राम वापस आए थे, तो मकर संक्रांति जो है वो अमर है। और इसमें क्या होता है, मकर संक्रांति के समय हम लोगों को भोज पर बुलाते हैं, और भोपाल में और कौन सा राजा अमर है, भोज, राजा भोज, तो मकर संक्रांति का मेला कहाँ लगेगा, भोजपुर में, तो ऐसे याद रखना कि मकर संक्रांति में हम लोगों को भोज पर बुलाते हैं, ओके। चलो अब एक बार ना जल्दी से, ये एक दूसरे डॉक्यूमेंट से ये लिया है मैंने, तो आप यहाँ पर बोलते भी जाओ, और अगर कोई मेला छूट गया है तो हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। सिंहस्थ मेला उज्जैन, फाइन, तो एक मिनट मैं ना इसे छुपा देता हूँ, फाइन, यार छुपा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ना आप लोग ऐसे ही जवाब देते जाओ। नागा जी का मेला मुरैना, क्यों, नागा जी से मूर्ता नहीं है, नागों से चीज़ें मूर्ति नहीं है। पीर बुधन का मेला शिवपुरी, पीर बाबा की तरह कौन घूमते रहते थे, शिव जी। हीरामन बाबा का मेला, हीरामन बाबा मेल ग्वालियर, अब देखो ये एक नया मेला आ गया, ठीक है, तो अभी हमने हीरा भूमिया का मेला पढ़ा था, तो हीरा भी भूमिया गुना और ग्वालियर, और ये हीरामन है, ठीक है, ये भी ग्वालियर में, तो हीरा से याद रखना ग्वालियर। तेजा जी गुना, जगेश्वरी देवी अशोकनगर, करीला का मेला अशोकनगर में, करीला को ऐसे याद रखना, ये करीला, तो इसमें करेले का एक प्रोनंसिएशन निकल कर आ रहा है, करेला, और करेले की तरह कड़वा कौन था, अशोक राजा, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छा बन गया, ठीक है, तो करेला भी ऐसा होता है, होता बहुत कड़वा है लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, तो करीला मेला अशोकनगर, ये आपको करीला जगह का नाम नहीं देगा, वो लोग सिर्फ अशोकनगर देंगे, तो करीला का मेला अशोकनगर में। सिंगा जी का मेला, ओके, सिंगा जी का मेला पिपल्या पश्चिमी निमाड़, तो ये पश्चिमी निमाड़ को ही खरगोन भी कहा जाता है। चंडी देवी का मेला, तो दो, एक चामुंडी देवी है उसमें मुंडी आ रही, चंडी, चंडी देवी का मेला सीधा सीधा। कान्हा बाबा शोडलपुर, कालू जी महाराज खरगोन, ठीक है, पिपल्या खुर्द, धमोनी उर्स सागर, धमधम करते हैं हम, कहाँ धमा चौकड़ी में जाते हैं, जब सागर घूमने जाते हैं। साहबुद्दीन औलिया का मेला, जो लोग ऐसे साहब लोग जो बहुत दिनों तक जीते हैं वो नीम चखते हैं। बड़े बाबा का मेला, ये देखो बड़े बाबा, तो बाबा से याद रखना आप लोग, ये बाबा गिरी लोग, मुन्ना भाई MBBS देखिए ना बाबा, तो ये बाबा लोग कैसे रहते हैं, आप देखो आसपास, आप लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन एक दो जो हैं जिन्हें मतलब ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, वो फैशन करते हैं, और वो क्या करते हैं, कुंडल पहनकर घूमते रहते हैं, दम दिखाते रहते हैं यहाँ से वहाँ, तो वो लोग बड़े बाबा लोग हैं। तो बड़े बाबा का मेला कुंडरपुल दमो। जल विहार का मेला, जब जल विहार करने जाओगे तो छतरपुर। बरमान घाट नरसिंहपुर, ऐसे लोग जिनका बहुत मान है, मान सम्मान है, और बार बार उन्हें मान सम्मान मिलता है,
ऐसे नर तो बरमान घाट, कुंडलेश्वर, टीकमगढ़, बोला था कुंडल तो पहन ही लिए हैं टीका और लगा लो टीकमगढ़, देवरी, सागर। देवी कहाँ पर मिली थी, याद है जब सागर मंथन हो रहा था तो वहाँ से एक देवी निकली थी, तो देवरी, सागर। सोनागिरी, दतिया, सोना कहाँ जाकर गिरता है, दांतों, दांतों में, ठीक है, तो दांत, सोने के दांत। हीरा भूमिया, किसी भूमि में अगर हीरा मिल जाए तो उसका रेट कई गुना बढ़ जाता है। और ग्वालियर, मैहर माता पता है, राम जी बाबा होशियार थे, मंधाता मेला, ये देखो मन हमारा कब, हमने इसके पहले मंधाता का जो मेला है वो छिंदवाड़ा में याद किया था, तो ये यहाँ पर ना दो कन्फ्लिक्ट हैं, तो प्लीज़ आप ना इन दोनों को क्लियर कर कर बता देना, क्योंकि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जहाँ भी कन्फ्लिक्ट मिलेगा मैं आप ही लोगों से क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर मंधाता के मेला खंडवा, अभी इसे हम क्वेश्चन मार्क में रख रहे हैं। त्रिवेणी का मेला रतलाम, ठीक है, तीन भाई कौन थे, सॉरी तीन लोग कौन वनवास में गए थे, वेट, तीन लोग कौन व्यक्ति थे जो वनवास में गए थे, रतलाम, राम, लक्ष्मण और सीता, तो त्रिवेणी, त्रिवेणी से याद रखना, त्रिवेणी मेला रतलाम। भोजपुर मेला रायसेन, सलकनपुर सीहोर, अब ये जो सलकनपुर मेला है ये सीहोर का है। तो दोस्तों ये थी आज की, आज का हमारा डिस्कशन, आपको दो काम करने हैं, पहला तो सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है ना बेल आइकन में क्लिक कर लो, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा उस वीडियो का। और दूसरा काम ये कर लो कि अगर इन मेले में कोई कहीं पर कोई करेक्शन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेज सकते हो, मैं पूरा उसको पब्लिक लिंक में डाल दूंगा तो वो आप सभी तक वो करेक्शन पहुँच जाएंगे। थैंक यू फॉर द डिस्कशन, आपने अपना कीमती समय देकर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।